उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कितने भी भूमाफियाओं के विरुद्ध एंटी भूमाफिया के तहत अभियान चलाकर काम कर रही हो, लेकिन आज भी जिला प्रशासन के मिलीभगत से लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहां प्रशासन की मदद से आज भी अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक दबंग प्रधान देवी माता के मंदिर के नाम पर दबंग ग्राम प्रधान और उसके साथियों द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र के ग्राम विनायकपुर से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस गांव में विनायका देवी मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ है, जिसमें एक बिग्गा भूमि विनायका देवी मंदिर के नाम से, जिसको पूरा प्रधान ने बेच दिया था। वर्तमान प्रधान शिवानंद और शिवा, जो दबंग प्रवृत्ति का है, ने अपने साथियों की मदद से माता के मंदिर के नाम पर बाउंड्री करवाते हुए गांव की रहने वाली अनीता और नीरज के पट्टे की भूमि पर भी अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत एसडीएम करहल के अलावा जिले के सभी सक्षम अधिकारियों से की गई। पीड़ित की किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। पीड़ित परिवार इंसाफ पाने के लिए एक साल से लगभग अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। थक हार कर मेरे परिवार ने दबंगों के चंगुल से अपने पट्टे की जमीन को छुड़वाने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, डीजीपी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अलावा मंडल आयोग को भी ज्ञापन भेजकर उक्त जमीन पर कब्जा छुड़ाने की मांग की है। इस संबंध में जब जिलाधिकारी से बात की तो वे कैमरे के सामने आने से मुकर गए। देखिए यह रिपोर्ट क्या कहती है पीड़ित महिला एवं पड़ोसी के बारे में। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता दिवाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम विनायकपुर गांव के रहने वाले हैं। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आई है, क्या मामला है पूरा? सर, हमारी जमीन का मैटर चल रहा है यादवों से, और 12 मई सन 2014 से हम लोग गांव छोड़े हुए हैं जी। और अब एसडीएम साहब करहल ने हमारी जमीन पे पेड़ पौधे लगवा दिए हैं, जबरदस्ती वृक्षारोपण करा दिया है, ईंटें पड़वा दी। उस मामले में कई बार हम डीएम साहब के भी चक्कर लगा पाए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी फ़ोन करवाया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं। क्या आपका जो जमीनी मामला है, क्या न्यायालय में भी चल रहा है? न्यायालय में स्टे भी है, न्यायालय सिविल न्यायालय से हमारा स्टे भी है इस जमीन का जी। और लेकिन अभी तक उसका अवहेलना की गई एसडीएम करहल रतन वर्मा द्वारा। तो क्या पुलिस भी शामिल है इसमें? पुलिस इसमें शामिल है। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है कि अरे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है और एसडीएम साहब का आदेश है, हमारी मजबूरी है मैडम, हमें यहाँ कब्जा तो प्रधान का करवाना पड़े, प्रधान पति का भी करवाना पड़ेगा। तो क्या आपके पट्टे हैं? क्या पट्टे हैं? हमारे पास उसके कागजात हैं, जो हमारे ओरिजिनल कागजात हैं, वो न्यायालय में जमा है। क्या दलित से पट्टे? हम दलित समाज से हैं और हरिजन आबादी के पट्टे आवंटित हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमारी है, मैं ग्राम विनायकपुर बरनाल ब्लॉक रहने वाली हूँ। आज जिलाधिकारी के यहाँ आई हूँ, किस मामले को लेकर आई हूँ? इस मामले को लेकर आई हूँ, जो हमारी 12 मई 2014 को जो दबंग यादवों से हमारी स्टे की जमीन, वो क्या नाम, पट्टे की जमीन को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी में जो यादव जात के मनोज सनोप रामेश्वर दयाल यादव विटनेस थे हमारे केस में, आज उन्हीं के घर पे रात 11 बजे पुलिस और दबंग यादव प्रधान पति और उसके साथी गौरव यादव और मुनीश यादव, अमीश यादव, इन लोगों ने उनके घर रात में दबिश दी जाके। अच्छा। और उनको जान से मारने की। कितने बजे गई थी पुलिस? रात 11 बजे। क्यों? मनोज से ये कहा कि आप अपने कागज दिखाओ आके, मैं कागज लेके आया हूँ, वो आप अपने कागज ले लो आके। तो वो मनोज घर पे नहीं थे, उनके माँ और उनके पिता निकले, उनके बच्चे थे और बीवी थी उनकी घर पे। तो ये कहा, हमें तो ये लग रहा है कि वो उनको उन पे जानलेवा हमले करने के उससे कोई सोची समझी साजिश है कि आपको गिरफ्तार करना चाह रही थी पुलिस? हाँ, पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी और मुकदमा भी दर्ज करना चाह रही थी उनके ऊपर। ऐसे साहब से बात भी हुई थी इस प्रकरण में, हमारी जो अनीता देवरानी है उनकी बात हुई थी। फिर क्या हुआ बरनाल से? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि मनोज को थाने भेजो सुबह। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, कहाँ के रहने वाले हो? विनायक। अच्छा, क्या हुआ था आपके मतलब घर पे? रात 11 बजे फोर्स गया है दबंग प्रधान पति के साथ जी। और उन्होंने केवारों में लात मारी, गाली गलौज किए जी। और तो निकल के बाहर आओ और तुम्हारा कोई कागज आया है थाने में वो आप लो चल के आओ। अच्छा। हमारी माता जी और पिताजी निकल के आए, उन्होंने कही बताइए क्या बात है। फिर पिताजी से मेरा कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, मेरे खिलाफ कोई केस है। क्या बताया आपकी माता जी ने कि यहाँ कितने बजे आई थी वो? 11 बजे। 11 बजे जी सर।
और बोल के आए कि सुबह थाने भेजना और अपने कागज ले आ। अच्छा कोई क्या कोर्ट वगैरह चल रहा था तुम्हारा कोई? हाँ, हमारा प्रधानपति से सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से स्थिति के परमानेंट आदेश है। नहीं तो रात में क्या जरूरत थी पुलिस कर्मियों को जाने की? वो पता नहीं, वो दबंग प्रधानपति का साथ दे रही है। ठीक, क्या नाम है माता जी आपका? विमलेश कुमारी। किस गाँव के रहने वाली हो? विनायकपुर की। अच्छा कौन बिरादरी हो आप? अच्छा ये बताइए माता जी, ये जो ना एक ग्राम सभा में दिवाकरों को सताया जा रहा है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला का है, जो जगह है ना ये को मोल लाई इनने इनने ही बेची लोगों ने और मोल लाई और जाई पीछे कब्जा करता और जाई को हमें चिल्लाने और पुलिस बुलाई, इन लोगों ने हम पे दबाव दो, हमारी बहुत मुझे बहुत परेशान करते, बहुत दुख और इसके जगह पे लगाई इसके वाली जगह जिनने मानी नहीं और फिर इनने हमारी जगह पे। अच्छा 1995 में इन्हें दलित लोगों को पट्टे मिले थे दलित के, तो उस पे भी ये कब्जा कर रहे हैं? उस पे भी कब्जा कर रहे हैं। तो मंदिर में मिलाना चाह रहे हैं? हाँ, मंदिर में मिलाना, मंदिर बीघा जमीन 100 में बेच रहे। अच्छा माता जी कौन कौन लोग हैं जो मिलाना चाह रहे हैं? नहीं हम बताए सात प्रधान के संग ले रहे सब पूरा गाँव। हाँ पूरा गाँव नही है। अच्छा पूरा गाँव नही है जो दबंग टाइप के हैं, प्रधान भी दबंग है? हाँ प्रधान के दबंग है। क्या नाम है प्रधान का? सेवा 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 प्रधान नहीं है, पत्नी है प्रधान। अच्छा तो दबंग ही दिखाते हैं? आए कि इतनी नहीं दबंग, नहीं थोड़ी नहीं दिखा तो यहाँ आए कि कट्टा बन क्यों चला तुम्हें बहुत दुखी यहाँ मंदिर के पास? हाँ मंदिर के पास नहीं, मेरे द्वार पर खुद जाए। अच्छा दहशत फैला रहे? हाँ बहुत जोर अभी इतनी नहीं कम नहीं। अच्छा पुलिस नहीं कुछ सुनती है? पुलिस नहीं सुनती। क्यों? पुलिस दिन भाग गए तो वहीं कछु करते हैं साहब, पुलिस हमें कतई नहीं सुनी नहीं। अच्छे बस से तो पुलिस से सांठगांठ रहती है क्या लोगों? सांठगांठ जो आया दरोगा ऐसी ताई तो सांठगांठ पहले ही मिल रही है। अच्छा हम लोग तो पहुंचता नहीं पैसा, हम पे है नहीं और जो दे ले प्रधानी वो पैसा और जो दे ले और जो बहुत दुखी कर रहे हैं सर, हम कुछ कह नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।